आपको रूबरू कराते हैं शिवपुरी जिले के पिछोर नगर से, जहां समाजसेवियों के भरोसे कोरोना की जंग लड़ी जा रही है। वहीं एक और नगर के समाजसेवी दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं, वहीं पिछोर का प्रशासन अपने हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है। बीते रात 29 मार्च 2020 को कलेक्टर शिवपुरी ने नगर पंचायत क्षेत्रों में मजदूरों को जन उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक रसोई घर के लिए पत्र जारी किया था, जिसका प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक पालन नहीं किया गया। पिछोर नगर में कोई भी सामुदायिक रसोई घर नहीं है। जानने योग्य बात यह है कि लगभग 3000 परिवारों को न तो राशन मिला है और न ही खाना समाजसेवियों के भरोसे पोषण हो रहा है, जबकि ड्यूटी दे रहे प्रशासन के व्यक्तियों को जब भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती तो वो भी सामाजिक संस्थाओं का सहारा लेने को मजबूर नजर आते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर सामाजिक संस्था न होती तो पिछौर नगर का क्या होता। जब हमारी टीम ने पिछौर एसडीएम श्री शिखरवार से बात करनी चाही तो ये बोलकर कि मैं बाहर हूं, फोन पर ही पूछ लो, जो पूछना हो, कहकर भूखे रोते मजदूरों की लिस्ट मांगी और कहते दिखे कि हमारे क्षेत्र में कभी कोई भूखा नहीं सोया। नाम तुम? प्रेम भाई। अच्छा भाई जी बताओ कहाँ से आ रहे हैं तुम? हमारा भिंड से। भिंड से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रिछाई। रिछाई जा रहे हैं, तो भिंड से मतलब कोई साधन से आई हो क्या? नहीं के आ रहे सर। हाँ। तो यहाँ क्या करने आई हो अभी तुम? हिना इसके पारा सुन। दादा कहाँ आओ? भग्गा। कहाँ से आ रहे दादा? भिंड से आ रहे। कहाँ जा रहे? खनिया थाना जा रहे। एरावनी खनिया थाना। अच्छा तो आप मतलब भिंड से कैसे आए? कोई साधन से? कोई साधन नहीं, बिल्कुल नंग के आ रहे सर। हाँ। तो खाना माना खाया आपने? कितना नहीं मिला खाना, दो तीन दिन से नहीं मिला खाना। फिर क्या सोचा तुमने? हमने ये सोचा कि पिछोर पारासुल के इतने खाना पीना बट रहा हो। हाँ। सो हम बासा में यहाँ चले आए। तो यहाँ तुमको मिला खाना? हाँ, हिना मिला थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, इसके बाद अब तुम्हें सरकार ने क्या दिया? सरकार ने सर कुछ नहीं दिया। सरकार ने कुछ नहीं दिया? हाँ। नाम है आपका? मेरा जीवन लाल आदिवासी। अच्छा जीवन लाल भैया, ये बताओ कि आप कहाँ से आ रहे हैं? हम जिला भिंड तहसील गोद ग्राम परसाना से आ रहे हैं। अच्छा, भिंड जिले से आ रहे हैं। हाँ। कैसे आ रहे हैं? पैदल? कैसे पैदल आ रहे हैं? पैदल चलती हुआ। हाँ। तो अभी यहाँ आपको रोका गया है, किस लिए रोका गया? हमें पारा सर धुआंधार पार्टी ने खाना खिलाया है। अच्छा, उसी अच्छा। ने हम रास्ते से निकल रहे थे। हाँ। उसने हमको रोका। हाँ। और कहा कि थोड़ा खाना भोजन खा के जाइए। नहीं, हमारा इसमें कुछ नहीं। हमारा तो ये है कि जो राहगीर वगैरह हैं, हमें धुआंधार महादेव की कृपा से कुछ ऐसी सद्बुद्धि दी गई है कि जब से ये कोरोना रोग फैला है, जो यात्री मजदूर वर्ग जो बाहर पड़े हुए जो आ रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, उनको सबको रोक कर भोजन कराने की व्यवस्था रखी गई है। भोजन व्यवस्था में 24 घंटे की व्यवस्था है हमारे यहाँ, और 1 से लेकर 2000, 4000 तक, 5000 तक भी अगर आदमी आते हैं तो हमारे पास 24 घंटे इस खाने की व्यवस्था रखी गई है। जी, पिछोर में आप लोग जो कार्य